हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आज MRPL, ONGC, ऑयल इंडिया, चेन्नई पेट्रो में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। सब शेयर होल्डर्स काफ़ी खुश होंगे ये चारों कंपनियों में जिन्होंने बाय करके रखा होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से गिरावट चल रही थी और आज MRPL में 10% का अपवर्ड साइज देखने को मिला। ONGC में 5%, ऑयल इंडिया में अराउंड 7%, चेन्नई पेट्रो में अराउंड 9% की तेजी देखने को मिली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सब लोग सोच रहे होंगे अचानक तेजी क्यों आई और यहाँ से ऊपर जाने की गुंजाइश कितनी है। तो फ्रेंड्स, बड़ी न्यूज़ यह है कि ये सभी कंपनियों का शेयर इसलिए भागा है कि क्रूड ऑयल का रेट फिर से ऊपर जा रहा है। 103-104 US डॉलर पर बैरल के हिसाब से नीचे गिर गया था, बट क्रूड ऑयल का रेट लगातार बढ़ रहा है। अभी आज का इसका रेट हो गया है 111 डॉलर पर बैरल और ये सभी कंपनियाँ जो है ये क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का काम करती है और सभी लोगों का कहना है कि जितना क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा इनके जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जो मार्जिन बढ़ेंगे तो इनके क्वार्टर वन के क्वार्टर टू के रिजल्ट शानदार आएंगे। ये एक्सपेक्टेशन से फिर से आज तेजी देखने को मिली हमें MRPL, ONGC, ऑयल इंडिया एंड चेन्नई पेट्रो में। तो फ्रेंड्स, अभी जो भी है इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट जल्दी ही डिक्लेयर होगा। अभी जून जैसे ही ख़त्म होगा क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चारों कंपनियों में से एक भी कंपनी का रिजल्ट शानदार आया एज कम्पेयर टू मार्च क्वार्टर, तो सभी कंपनियों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि सभी कंपनियां एक ही सेक्टर में काम करती है। तो एक कंपनी का रिजल्ट अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा आया तो बाकी कंपनियों का भी अच्छा एक्सपेक्टेशन रखे, ये ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए जो लोगों ने होल्ड करके रखा है होल्ड करके रख सकते हैं। क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत शानदार आने की उम्मीद है इन सभी शेयर्स की, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको जो जरूर गिरावट हुई थी, पर जैसे जैसे क्रूड ऑयल का रेट ऊपर जाएगा इन शेयर्स में भी तेजी देखने को मिलेगी। सो आई होप आप सब लोग काफ़ी खुश होंगे कि आज सभी शेयर्स में जो भी इनको होल्ड करते होंगे तेजी देखने को मिली। तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन GRM इनका अच्छा ही रहने की उम्मीद है जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे, और नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल का रेट घटने की उम्मीद कम है, वो हिसाब से इन शेयर्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। सो देखते हैं आगे क्या होता है, बट क्वार्टर वन के रिजल्ट इनके अच्छा आने की उम्मीद है, उसी के लिए शेयर काफ़ी तेज़ी से आज भागे। थैंक यू फ्रेंड्स।